अब पापा कहाँ जाना है? थोड़ा यहाँ तक छोड़ दे मेरे को, मेरा वजन ज्यादा है बेटे मेरे पास, मैं परेशान हो रहा हूँ बेटा काफी देर से। अरे बेटा मेरा घर आ गया, ये हो गया मेरा घर। ये वाला पापा? हाँ ये है। रुको मैं उतारता, मैं उतारता। अरे बेटा ले मैं चला जाऊंगा। अब मैं छोड़ देता हूँ ना, कोई नहीं चलो आप, मैं छोड़ देता हूँ। अरे बेटा मैं चला जाऊंगा, कोई नहीं मैं छोड़ देता हूँ, चलो आराम से। अरे बेटा ये जगह नहीं मेरी, वो जगह कौन? अरे भाई संजू, तू क्या हाल है? अरे बढ़िया, तुम यहाँ कैसे? अरे बेटा ये मेरा बेटा है संजू, मैं छोड़ना हूँ और बता कैसे आना होगा। अरे तू ये तो छोड़, ये तेरा ही घर है? भाई का ही घर है। अकेला रहता है? अरे अकेला था, एक रूम डॉगी के लिए, एक में मंदिर बना रखा है, एक में तेरे जैसा कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए, एक मेरा। और माँ बाप? वाह मेरे दोस्त वाह, खुद आलीशान मकान में रह रहा है और माँ बाप को झोपड़ झुग्गी में रख रखा है। और क्या कह रहा था अभी? भाई बहुत सर्दी है, अंदर चल। क्या उनको सर्दी नहीं लगती? क्या वो इंसान नहीं? तू 5 मिनट सर्दी में नहीं खड़ा रह सकता और वो दिन रात झोपड़ झुग्गी में सोते, उनका क्या? क्या उन्हें सर्दी नहीं लगती? क्या कह रहा था? नौकर के लिए जगह, कुत्तों तक के लिए तेरे घर में जगह है और माँ बाप उनके लिए एक छोटा सा कोना तक नहीं। वाह मेरे दोस्त वाह, ऐसा घर ना मेरे लिए तो नरक का समान है। ऐसे घर में तो मैं कभी कदम भी नहीं रखूं। भाई माँ बाप को ना कभी भी बुढ़ापे में ना ठुकराना नहीं चाहिए। भाई चाहे कितनी पूजा कर ले और चाहे कितनी तीर्थ कर ले, अगर माँ बाप को ठुकराया है तूने, भाई सब बेकार है, सब बेकार है।